स्वयं प्रभा सतपति जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको माइक दी है जी दीदी थैंक यू जी आ, नमस्ते दीदी दी, नमस्ते सभी को प्रीति हां प्रीति रहती थी ओके ओके जी जी तो, दी दीदी प्रोफेसर हैं शिक्षा ओ अनु आनुश, अनुसंधान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में और दीदी दी ने पहला वर्कशॉप मार्च 21 में किया है तो अभी दीदी को हैंड ओवर करती हूँ जी दीदी ओवर टू यू धन्यवाद प्रिया दीदी नमस्ते सभी को कुमार भैया नमस्ते शर्मिला दीदी नमस्ते सुनील भैया और सभी को एक्सप्लोरर्स जो कि मेरे साथ आज यहाँ पे हैं तो ये तो एक्चुअली ये जो प्रीवियस जो मैं को एक्सप्लोरर जी की बात सुन रही थी रिचि दीदी और सुधीर भैया की तो प्रिया दीदी आपने बहुत सही से कहा कि ये बहुत कनेक्ट करता है जैसे कि मेरा हमेशा मानना है कि ये यूएच फैमिली मेरा एक एक्सटेंडेड फैमिली है तो ये सारी चीजें बहुत ऐड करती हैं कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग्स है हमारे जो आपस में जो मन की बातें हैं वो सब हम आपस में शेयर करते हैं और एक कॉमनलिटी है जो कि हमारे साथ है तो अभी जैसे कि ये कर, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा जो भी जर्नी है जितना भी मैं जुड़ती हूँ यूएचवी के साथ तो ये एक एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कि ओवरनाइट नहीं होगा तो उसी तरह से जब मैं एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू को अपने जीने में लाती हूँ बिकॉज शुरुआत में जब मैंने यूएच किया तो वो एक तो ऐसा था कि मुझे करना है बट अभी ऐसा है कि ये मेरे ऑलरेडी लाइफ में आ गया है जो कि हमेशा एक जैसे भी मैं करती हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहता है जो कि मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और उस हिसाब से तो ये बहुत सही बात है कि जो भी हमारे डिजायर है थॉट है एक्सपेक्टेशन है ये सब प्री माइंडसेट में है और ये चीजें मुझे भी बहुत रियलाइज होती है बिकॉज़ जब मैं शुरू में आ, बहुत ताकि इनिशियल डेज में मेरे बहुत मल्टीपल डिजायर्स होते थे कि मुझे ये भी करना है ऐसा करना है तो पर मैं जब एंड हमेशा डिजायर मनी मन में रहता था बिकॉज़ जब भी मैं सोचती थी मेरे को लगता था कि मुझे मिला क्या मैंने क्या किया जो ये जो ब्रिजिंग है कि व्हाट व्हाट आई आई एम एंड वांट टू बी तो इसका जो ब्रिज मैं कभी नहीं तय कर सकती थी और हमेशा ये मुझे एक डिस्टेंस में ही रखता था तो एंड एट द जब एंड ऑफ द डे जब मैं बैक आती थी अपने uh, जब मैं अपने आप में uh, ये सोचती थी कि आज का दिन कैसा गया तो हमेशा एक क्वेश्चन uh, मार्क रहेगा कि इस uh, आज मैंने किया ही क्या तो इस तरह से जो मेरे इमेजिनेशन में चलते गए बहुत सारी बातें जो कि शिफ्ट होती थी कभी ये मन करता था कभी वो मन करता था तो एक तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं थी एक तो कोहरेंस नहीं था बट ग्रेजुअली मैंने जब शुरुआत किया जब बहुत बार ये सोचा कि एक्चुअली मुझे क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि क्या मैं जो मैं ऐसा सोच रही हूँ ये सोच मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस दे रहा है या मुझे कुछ और सोचना चाहिए तो ऐसे धीरे 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 अपने आप में एक्सप्लोर uh, करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे अ uh, जो चीजें अच्छी लगती है मुझे पहले उससे शुरुआत करनी चाहिए तो जैसे कि मेरा बहुत रिजनमेंट था कि जो बहुत फ्लैशी बर्थडे और पार्टीज में जाना वहां पे इस तरह से बहुत यू you नो know, बहुत ज्यादा नॉइज करना तो ये मुझे अपने आप से ही लगता था कि वॉट आर वी डूइंग की बेकार में हम लोग बस है ना टाइम इज गेटिंग वेस्टेड एंड अननेसरली दिज अ लॉट ऑफ के तो उसके बाद ग्रेजुअली मैंने देखा कि ये बात हमारे घर में भी सबको समझ आई एंड सो uh, so हम लोग अभी ऐसा करते हैं कि जो बर्थडे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं हैंज पीपल uh, जैसे कि कोई ऑर्फेज में चले गए और uh, एक तो जॉय ऑफ गिविंग का भी एक तो आता है मन में तो उसी को uh, इसी तौर पे जब मेरे पेरेंट्स uh, चले गए तो उनका जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी था वो तो रिचुअली करना ही था बट नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं हमेशा विद uh, जाती टू ओल्ड एज होम्स एंड वहां पे उनके साथ लाइक uh, like, कुछ भी ऐसा इवेंट रखती हूँ जो कि उनको अच्छा लगता है एंड डिनर एंड लंच देते रहते हैं तो उसी के तौर पे अभी uh, जैसे uh, कुछ दिन पहले मैं घर लौट रही थी लाइक uh, like, uh, शाम हो गया था फाइव थर्टी सो मैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू पार्क माई कार सो मैंने देखा एक कपल लिटिल ओल्ड वो लोग जा रहे हैं टूअर्ड्स परहैप्स बस स्टेशन

तो uh, मैं फिर बैठ गई उनसे बोला कि प्लीज मी योर लगेज एंड मैं आपको आपको कहाँ जाना है ड्रॉप तो आजकल का सिनेरियो का जो हमारा जो प्री कंडीशनिंग की हम बात करते हैं ये सभी में है तो उन्होंने भी ही बैक कि मैं क्यों आउट ऑफ द वे जाके उनको हेल्प करना चाहती तो मैंने बोला नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते वो भी ओल्ड होते कभी उनको मदद चाहिए होती या फिर ऐसे एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे पेरेंट्स जैसे हो सो कैन आई ड्रॉप यू आप जहां जाना चाहते हो सो दे वर सो ओवरवेल्ड एंड बिलीव मी ये मेरा आ, बीटिंग द ड्रम नहीं है बट uh, मुझे अपने आप में इतना अच्छा लगा मैंने घर पे आके ही बोला तो मेरे बेटा बोला कि हाँ ममा ये तुमने अच्छा ही किया बिकॉज बेचारे कितना परेशान होते हैं अभी जाने के लिए तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो कि लाइक uh, like, आ रही हैं जिंदगी में और हो जाते हैं तो ये लाइक uh, ये like, जो ऑब्जर्वेशन हमारे सेल्फ में हैं और जिसमें uh, अभी जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत हार्मनी में हूँ मुझे डिज इतना टच नहीं करता कि बाहर के जैसे कि पहले जैसे होता था किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे बहुत वो चीज फील होती थी बट अभी मैं अपने आप अप में रिजोल्व कर देती हूँ मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पर लाइक इसमें थोड़ा काम कर सकती हूँ जिससे तो कि ये चीजें ना हो या किस मुझे इफेक्ट ना करे वैसे ही मैं आपको एक लाइक आई गिव यू जैसे मैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो है शंकराचार्य पुरी के पुरी मठ के तो उन, उनका एक बार मुझे उनसे मिलना बना तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एडिटोरियल वर्क में क्यों नहीं जुड़ती तो मैंने तब तो सोचा कि क्या एडिटोरियल वर्क मैं करूँ इन, इनका मैं क्या भी एडिटिंग करूंगी तो देन उन्होंने फिर खुद ही रिकॉग्नाइज करके बोला कि नहीं आप मेरे जो आ, बुक्स है जो टॉक्स है उनके उनके टॉक्स को इंग्लिश में आ, उसको ट्रांसलेट करिए तो वो काम जब मैं करने लगी वो भी मुझे एक बहुत आत्मसंतुष्टि दी बिकॉज मैं ऑलरेडी एंड ये सारे चीजों से मैं थोड़ा बहुत एसोसिएट हो गई और मुझे लगा कि यही चीज मेरा जो है अंदर का जो भाव है इसी भाव पे खुश रहता है कि मुझे ये सब काम बहुत अच्छा लगता है जैसे आ, अभी मैं एडिटर भी हूँ बहुत सारे जर्नल्स Okay. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन देता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू यू नो एक्सरसाइज टू इफ आई नीड टू से तो इसमें जब मैं देखती हूँ कि uh, यहाँ पे जो रियलाइज करती हूँ कि ये सेल्फ और बॉडी एक कोलिजेस्टेंसी है और एक तो ट्रांसैक्शन चल रहा है फ्रॉम माय सेल्फ टू द बॉडी और ये जो हमारे ट्रांजेक्शन के बीच है ये इसका भी आधार कुछ एजामशन पर ही रहता है जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं जैसे मैं तो काफी साल से एकेडमिक्स में हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वैसे एक जब मैं ये कोर्स पढ़ा रही थी बच्चों को तो एक यू you नो know, उनके मन में थोड़ा शुरुआत में इतना एक्सेप्टेंस नहीं था तो एक लड़का वो एंटर किया क्लास तो ही हैड इज क्रिकेट बैट तो वो मेरे को एक तो बहुत स्टर्न लुक देके ही एंटर द क्लास ही सैट डाउन और जब मैंने उसको रोल नंबर किया तो बहुत लाइक यू नो आई वाज अ वेरी ऐसा थोड़ा तो uh, तो एरोग फिर आफ्टर अटेंडेंस मैंने कहा नहीं दिस इज नॉट द राइट वे तो मैंने उस, uh, उनको उस दिन असाइनमेंट ही था कि कुछ उनको uh, दे बोलना है तो मैंने उसको बोला कि तुम हाउ डू यू एनालाइज योर उस पर बताओ तो उसने बहुत कुछ बोला देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली वही डिस्कशन केम इन टू दैट उसके इधर था कितना डिजार्मनी में, में वो रहता है वो अपने आप को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता एंड देन uh, मैंने उसको बहुत अच्छे से बोला कि यस yes, uh, हम ऐसा काम कर सकते हैं टुगेदर सो टेक मी एज योर आउट सोल्यूश तो इस तरह से बात होते होते हेयर कट बहुत अच्छे से हेयर कट करके अदर स्टूडेंट तो इसी तरह से बट मेरे जो मन में बार बार आ रहा था कि इस तरह से उसको बिहेव नहीं करना चाहिए बट देन ग्रेजुअली मेरा जो रेस्पॉन्स था उसके तरह तो इट चेंज एंड अगर मैं उस पर रिएक्शन करती तो इट हैव नॉट बीन एज गुड ऐसा कुछ हो सकता था बट देन ग्रेजुअली बच्चे लाइक इट वाज क्वाइट गुड कि मेरे को लगा कि उसके लिए सम का गुड काउंसिलर टू हिम और उसी तरह से और भी बच्चे रहते हैं जो कि यू नो दे शो देयर डोमिनेंस कि है ना हमको यहाँ पे टू शो uh, और आजकल के बच्चों का लाइक आई फील सम ऑफ प्री माइंड सेट कि मुझे डोमिनेट करना मुझे फेमस होना है मुझे पैसे कमाना है सो so इसी तरह से बहुत सारे बच्चों से मैं डील करती हूँ और जब डील करती हूँ तो इनिशियली uh, अगर uh, हो सकता था कि मेरा रिएक्शन रहता बिकॉज उनका बहुत एरोगता है बट अभी मेरे रेस्पॉन्स से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उन बच्चों में एंड वो लोग भी इतना भुल मिल जाते हैं कि जब वो लोग छोड़कर जाते हैं स्टिल दे आर इन टच विथ मी जबकि यू नो मेरे को लगता है कि हाँ वो बच्चे चले गए सो so, इसी तरह से आ लाइक जैसा है कि आ, मेरा ऐसा जो समझ बन रहा है और लाइक uh, like, uh, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह से अपना हारमोनी में हमेशा रहना चाहती हूँ और ये तो एक कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग इन हार्मनी बीइंग इन पीस आई थिंक ये हमारा सबका इनेट नेचर है तो अः ऐसे छोटे छोटे चीजों में मैं बहुत सारे आ, बहुत आई डोंट से कि मैं बहुत कुछ बड़ा करती हूँ बट मुझे आ, अच्छा लगता है ऐसे सब छोटे छोटे हेल्प रेंडर करने में कहीं पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है जैसे मैंने पिछली बार भी मेरे शेयरिंग में कहा था कि मैं ट्रांसजेंडर्स के बच्चों के ऊपर काम करती हूँ उनके साथ आ, उनको भी कभी कभी हेल्प कर देती हूँ इस तरह से बहुत सारे काम करती हूँ जिसमें मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है और ये रियलाइजेशन भी है कि ऐसा नहीं है कि मुझे दिखावा करना है बट ये रियलाइजेशन भी है कि मैं जो भी करती हूँ वो मेरे लाइक आंतरिक इच्छा है और मैं भाव लाइक श्रद्धा से उस चीज को करती हूँ तो आ, मेरा लाइक इसी तरह का ही शेयरिंग है और आ, मैं सोचती हूँ कि Like, जो मेरा कमिटमेंट है टू योको थोड़ा बढ़ ही रहा है अभी मैं um, मॉर्निंग तो के जो वीकेंड्स I mean, uh, 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 में होता है तो सैटरडे मेरा पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज सैटरडे मेरा क्लास रहता है उसी टाइम में बट संडेस को आफ्टरनून में uh, बहुत लाइक uh, like, कोशिश करती हूँ एंड कई बार मॉडोरेशन भी किया है और uh, कोशिश करती हूँ कि जितना हेल्प मेरे से हो सके uh, मैं उतना लाइक विथ ऑल माय बेस्ट विशेस वो मैं करूंगी सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और थैंक uh, यू कुमार भैया थैंक यू शर्मला दीदी आप लोग का गाइडेंस आगे भी बहुत चाहिए सो uh, so, uh, और ये तो एक प्रोसेस है जैसे मैंने कहा सो so बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे लगती हैं कि मुझे अपने आपस में लाइक like, चेंज करना है जैसे अभी दीदी ने कहा कि यू you नो know, बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ ये जो वेडिंग्स रहता है और हम जो सोचते हैं बच्चों के लिए अफकोर्स बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बट uh, वो हम किस तरह से हमारे डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन कोहरेंस में रहें और uh, उसका हम सही मार्जिन uh, कर सकें uh, इसका uh, मैं सोचती हूँ नमस्ते

जो दीदी की शेयरिंग रही उसमें समाज के साथ जुड़कर परिवार के साथ जुड़कर या जो हमारा वर्क प्लेस है आचरण कर सकते हैं कई सारे उदाहरण दीदी नहीं बट उसके मूल में जो अपने भाव पे समझ पे काम होना है वो भी अगर हम दीदी शेयर कर पाते तो बहुत ही अच्छा रहता है तो मुझे लगता है कि अगले बैच में जो आप अटेंड करें तो जुगाड़ ढंग से अगर आप रखें और उसको स्वयं में देखें तो लिखें भी तो और अच्छा रहेगा और स्वयं प्रभा दीदी अगर कुछ शेयर करें आगे का कमिटमेंट हाँ जी भैया एक्चुअली कमिटमेंट के लिए मैं अभी पूरी तरह से रेडी हूँ मैं तारा प्रसन्न जी से भी बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरह से करें और वैसे मैं जो टॉक्स देने भी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं अपनी तरफ से ज़रूर यूएचवी का एक जैसे कि अभी मैं गई थी रिसेंटली वहाँ लाइक यहाँ पे ओडिशा में एक प्लेस है तो वहाँ पे मैं गई थी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए तो वहाँ पे मैंने यूएचवी का आ, कुछ आ, स्टार्ट भी कराया कि वो जो बेसिक एस्परेशन सेल्फ एक्सप्लोरेशन थोडा थोड़े टर्मिनोलॉजी से उनको वाकिफ कराया एंड उन लोग के उन लोगों को भी ये कहा कि आप लोग जुड़िए Uh, और उन्होंने भी बहुत उसमें बहुत उसमें लाइक दे इंटरेस्टेड तो जहां भी जैसे मैं जाती हूँ एफ डी पी के लिए matter, अगर मैं कहूं, तो ये नहीं है मैं रोमेनिया गई थी लास्ट टाइम uh, तो रोमेनिया में भी मेरा की नोट एड्रेस था तो वहां पे uh, मैंने ऑफ कोर्स वो जेंडर इशू पे था बट देन वहां पे भी मैंने इसको रिलेट किया कि, कि किस तरह से जेंडर इश्यूज को भी काउंटर किया जा सकता है थ्रू दिस सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो उसी तरह से एक्चुअली uh, मैं और तारा प्रसन्ना जी बहुत बार ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे भुवनेश्वर में भी इन सम ऑफ द स्कूल्स हम लोग ये इनिशिएट करें और uh, जैसे स्कूल्स में और uh, और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे वैसे भी हम लोग स्टार्ट किए हैं इन स्लम एरियाज के बच्चों को लेके भी इस तरह का बिकॉज ये जो रिजेंटमेंट मैंने देखा है बहुत ज्यादा बच्चों में होता है तो हमारी समझ तो कहीं ना कहीं बन जाएगी बट uh, बच्चे लोग का जो माइंड सेट को uh, थोड़ा सा लाइक uh, उनका जो डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन है उसको सिंक में लाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मैं हमेशा हम दोनों बात करते हैं कि हाउ डू वी केटर टू दैट क्योंकि उससे वो लोग जो आगे बढ़ते हैं तो उनका आचरण उसी तरह से होता है सो हाउ टू बिल्ड दैट संस्कार विद इन देम तो इस तरह के बहुत सारे हैं एंड uh, और मैं तो चाहती भी हूँ कि uh, भैया कुछ भी मुझे आप एडिटोरियल काम दे दीजिए कुछ भी दे दीजिए आई एम गुड एट दैट मैं कर सकती हूँ uh, वो मेरा uh, फोटे है और ऐसे भी uh, जैसे कि मुझे को फैसिलिटेटर uh, के तौर पे जाने से uh, जाना फैसिलिटेटिंग भी करना ये सब मैं कर सकती हूँ और मैं आगे भी करूँ ये मेरा कमिटमेंट एक और काम आप जोड़ सकते हैं कि इसमें रिसर्च की भी जरूरत है जैसे आपने बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है चाइल्ड साइकोलॉजी है इस तरह के इस पे भी अगर रिसर्च किया जाए और उसको कनेक्ट किया जाए ह्यूमन जी भैया जी भैया मेरे स्कॉलर्स काम कर रहे हैं जैसे न्यूरोस्टिक प्रोग्रामिंग पे और इवेंट साइकोलॉजी पे चाइल्ड साइकोलॉजी पे और ये जो एआई इंटीग्रेटेड है एप्स उसको उसका जो इम्पेक्ट आ रहा है किस तरह से बच्चों पे आ रहा है अभी जो रिसेंट रिसर्च है वो उसी पर है तो so, इस तरह से काफी कुछ जी बिल्कुल दीदी तो अभी इसका एक असेसमेंट करते हुए हम ये भी अगर दिखा पाए कि इस तरह के एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से जुड़ने के साथ कैसे जी भैया बिल्कुल जी तो बहुत ही अच्छा रहेगा दीदी बिल्कुल भैया बिल्कुल भैया ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा भैया